हेलो गाइस, मैं मुसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगंधरा। इस वीडियो बताने वाला हूँ कतर का लॉकडाउन के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहे हैं कतर में अभी क्या सिचुएशन है, कतर का कोरोना वायरस का हालात कैसा है, लॉकडाउन का अभी कौन सा फेज चल रहा है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखे। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो सबको मिलता रहेगा। कतर में लॉकडाउन का पहला फेज चल रहे थे, अभी सेकेंड फेज है। आज से जो आज जुम्मा बार से लॉकडाउन का सेकेंड शुरू हो गया है। बहुत सारे कंपनी में जो 50% वर्कर काम कर रहे थे अभी उसको बढ़ा के 80% कर दिया गया है। जिस कंपनी में जो रजिस्ट्रेशन लगा था उस कंपनी का 80% वर्कर काम कर सकते हैं, 20% वर्कर को आपको 20% वर्कर को अभी कैंप में रहना पड़ेगा और बाकी 80% वर्कर अब साइट में जाके काम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, बहुत सारे भाई का 7 डेज काम मिल रहे थे और 7 डेज आपको कैंप में बैठे रहना पड़ रहे थे, अभी 80% आदमी को 80% आदमी को अभी वो काम मिल जाएगा। सिर्फ 20% आदमी को सिर्फ आपको रूम में बैठा रहना पड़ेगा। और भी बहुत सारे जगह में रजिस्ट्रेशन हटा लिया है और भी बहुत सारे अपडेट आया है। जैसे मस्जिद में अभी मस्जिद में जो 5 वक्त के नमाज पढ़ने के लिए अभी पूरा खोला रहेगा और जुम्मा बार भी खोला रहेगा और मस्जिद में जितना सारे आदमी जाएंगे पहन के आपको जाना पड़ेगा। सारे गाइडलाइन फॉलो करके आप मस्जिद में जा सकते हैं, मस्जिद पूरा ओपन रहेगा, जुम्मा बार भी ओपन रहेगा और 5 वक्त नमाज के लिए और ओपन रहेगा। कतर का जो कोरोना वायरस का तादाद धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए बहुत सारे जगह का रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हट रहा है और पूरा एक ही बार में नहीं हट रहा है क्योंकि कोरोना वायरस फिर बढ़ सकते हैं। इसलिए कतर गवर्नमेंट धीरे धीरे जो लॉकडाउन को धीरे धीरे अभी हट रहा है क्योंकि कोरोना वायरस तादाद फिर बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोरोना वायरस का तादाद देख के धीरे धीरे बहुत सारे कंपनी का रेस्ट्रिक्शन हट रहे, बहुत सारे जगह का जितना सारे रेस्ट्रिक्शन लगा था अभी धीरे धीरे हटने के लिए कोशिश कर रहे। जिस भाई ने कतर में जाने के लिए सोच रहे विजिट वीजा में, तो अभी एक महीना वेट कीजिए, एक महीने के बाद ही विजिट वीजा ओपन होने का चांस है। और क्योंकि कतर में जो कोरोना वायरस तादाद धीरे धीरे एक कम आ रहा है, इसीलिए टूरिज्म को खोलने के लिए कोशिश कर रहे। आज के डेट में जो कोरोना वायरस का दो तादाद है 24 घंटे के अंदर 18,493 आदमी को और टेस्ट किया गया था, उसका अंदर 66 आदमी को पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव केस धीरे धीरे कम आ रहे हैं, 15 दिन पहले 100-150 आदमी को पॉजिटिव आ रहे थे लेकिन आज का डेट में सिर्फ 66 आदमी को पॉजिटिव केस आया है। वैक्सीन का काम बहुत तेजी से चल रहे थे, ज्यादातर आदमी को वैक्सीन मिल गया है, लगभग 90% आदमी को वैक्सीन मिल चुका है। 24 घंटे के अंदर 11,603 आदमी को वैक्सीन मिला है और ज्यादा आदमी बाकी नहीं है। शॉपिंग मॉल भी 30% आदमी को अलाउ कर रहे हैं और जो सिनेमा हॉल वगैरह सब कुछ ओपन किया है लेकिन गाइडलाइन है और गाइडलाइन फॉलो करके आप जा सकते हैं। उम्मीद कर तो आप लोग को समझ गया होगा आज का डेट में कतर में जो सिचुएशन क्या है और कोरोना वायरस का तादाद अभी कैसा है और लॉकडाउन का सेकेंड फेज शुरू हो गया है। सेकेंड फेज में बहुत सारे जगह का रेस्ट्रिक्शन हटा लिया है और आगे भी जो विजिट वीजा खुलने का उम्मीद भी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिल गया है। अगर ये वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिल गया है और थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।